हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चंडीगढ़ के कुछ स्कूल्स हैं और चंडीगढ़ के आसपास कुछ स्कूल्स हैं उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बात तो किसी से कोई पैसा नहीं मैं लेता, जस्ट हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप भी 4 लोगों की हेल्प करना, और किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नई से नई वैकेंसीज मिलती रहेंगी। दूसरी बात, आज की जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि एक दो वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसीज मैं सर्च करके आपके लिए लेके आऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, आपका, फ्रेंड्स का काम बन सके। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक हर बात को समझना और एक एक वैकेंसीज के बारे में पूरा चेक करना आपने। अगर आपके टाइप की वैकेंसीज हुई तो डायरेक्टली अप्लाई करना। पूरा फ़ोन नंबर, एड्रेस, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, आज के समय में एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, ये अनमोल है। ठीक है, इससे दुआ मिलती है, हो सकता है आपकी ब्लेसिंग मुझे लग जाए। ठीक है, ऐसे ही आप किसी 4 लोगों की हेल्प कर दो तो उनकी ब्लेसिंग आपको लग जाए। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यस, पैसा सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोई ना कोई वैकेंसी जैसे मैं सर्च करता हूँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3-4 स्कूलों की मैंने वैकेंसीज कलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी, और एक एक चीज को आपने अच्छी तरह से सुनना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीआरटी टीचर्स की जरूरत है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है कम से कम 4 से 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए इनको, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरे हैं टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, ये भी लगभग, टीजीटी तो आप समझ सकते हैं कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, मैनी अदर सब्जेक्ट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5 टीचर्स की यहाँ पे इस टीजीटी की भी ज़रूरत है। इसके अलावा किंडरगार्टन टीचर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, और 5-6 टीचर्स किंडरगार्टन के भी चाहिए होते हैं। तो लगभग 10 से 15 वैकेंसीज हैं इस यहाँ पे पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, किंडरगार्टन टीचर्स ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और ये वेल रेप्यूटेड स्कूल है चंडीगढ़ में, और लेकिन ये चंडीगढ़ नहीं, ये पंचकुला में लोकेटेड है। और जैसे कि इन्होंने लिखा है, हैंडसम सैलरी, अप्लाई इमीडिएटली विद योर लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंडेटरी। तो देखिए, जब आपने अप्लाई करना है तो समटाइम हम फोटोग्राफ नहीं लगाते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है फोटोग्राफ मैंडेटरी है, तो आपने अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जरूर लगाना है। समटाइम्स कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना पुराना फोटोग्राफ जो होता है वो पासपोर्ट साइज लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आपने लेटेस्ट फोटोग्राफ ही लगाना है। और ये है इनका ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। स्पेलिंग है इसकी RESHME @HALLMARKPUBLLCSCHOOL। तो इस नंबर पे आपने अप्लाई करना है फ्रेंड्स, इस ईमेल एड्रेस पे, सॉरी, आई एम सॉरी। और ये इनका एड्रेस है सेक्टर 15, पंचकुला। और ये फ़ोन नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर है 0172-2593-994 या फिर 2593-093। इन नंबर्स पे, या एक मोबाइल नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 9888-81-5111। इस नंबर पे भी आप कॉल करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। अच्छा, इनकी एक वेबसाइट है, वो है www.hallmarkpublicschool.com। तो इस वेबसाइट पे भी आप जाकर के पूरी की पूरी इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है, नो फिजिकल कॉपी ऑफ द रिज्यूम विल बी एक्सेप्टेड। मतलब आप अगर स्कूल जाएंगे इनके और अपना रिज्यूम लेकर के, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है इनके स्कूल की वेबसाइट, हॉलमार्क पब्लिक स्कूल की ये वेबसाइट है। और ये इनका, अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो ये इनके फ़ोन नंबर मैं आप लोगों के साथ जैसे शेयर कर चुका हूँ, ये इनके फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये इनका ईमेल एड्रेस है।
तो इस ईमेल एड्रेस reachme@hallmarkpublicschool.com पे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पहले स्कूल की जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अब हम दूसरे स्कूल की तरफ चलते हैं। आपको मैं बस एक बात और बता दूं कि जैसे हॉलमार्क पब्लिक स्कूल की जो इनकी अभी रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, ये 2021-22 के लिए इन्होंने अभी अपॉइंटमेंट्स करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे सेशन खत्म हो चुका है, दिसंबर खत्म होने वाला है, तो नए सेशन के लिए जल्दी ही इनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, तो इसका आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो दूसरी अब मैं स्कूल की जानकारी आपको देने वाला हूँ वो है वैदिक गर्ल्स हाई स्कूल। गवर्नमेंट एडेड है ये, और ये मनी माजरा में है, चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे एक इंग्लिश मिस्ट्रेस की जरूरत है, TGT, और रेगुलर गवर्नमेंट एडेड पोस्ट है ये। फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना, रेगुलर गवर्नमेंट एडेड पोस्ट है, और पे स्केल आपका फुल पे स्केल जो होता है वही रहेगा, 10,300 बेसिक, 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे है। तो फिक्स्ड मंथली अमलमेंट्स ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो देखिए, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अच्छी एक संभावना बनी हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। दिस पोस्ट विल बी फिल्ड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूटी। तो यूटी के अंडर आता है ये स्कूल, तो चंडीगढ़ एज एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के अंडर आता है ये स्कूल, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स ये। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप लोगों को 21 दिन के अंदर अंदर यहाँ अप्लाई करना है। मतलब आपने अप्लाई करना है 2 फरवरी 2021 तक, आपके पास टाइम है यहाँ अप्लाई करने का। और अप्लाई करने का मैं आपको तरीका एक साथ बता दूं कि यहाँ अप्लाई करने के साथ साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, पेमेंट भेजनी है 300 रुपये की ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम 9:30 to 1 PM। और ये इनका फोन नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 0172-273-4313। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तब भी पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका समझा देता हूँ कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट वैदिक गर्ल्स हाई स्कूल पे जाएंगे, वहां से भी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सकती है। और अगर मान लीजिए वेबसाइट भी मिलती है, तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी के थ्रू भी इसके बारे में पूरी 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 की पूरी जानकारी ऑनलाइन के थ्रू भी अप्लाई पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो स्कूल है मेरे पास वो है यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल। यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल ये है बद्दी रोड पिंजौर में, पंचकुला में। पंचकुला से ज़्यादा दूर नहीं है और चंडीगढ़ से भी ज़्यादा दूर नहीं है ये। यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास वैकेंसीज हैं यहाँ पे। लेकिन वैकेंसीज बताने से पहले मैं आपको एक तरीका बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ऊपर करियर, अब करियर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई वैकेंसीज ये शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई योर पोस्ट डिटेल। जो भी लोग अपने घर से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्कूल किया हुआ यूनिसन इंटरनेशनल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप जॉब कैसी करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे या तो पार्ट टाइम के लिए या फुल टाइम के लिए, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगी। और उसके बाद फंक्शनल एरिया आपका टीचिंग है, और टीचिंग भी है या फिर आप नॉन टीचिंग में जा सकते हैं। जैसे कोई आपको ऑफिस की जॉब यहाँ पे करनी है तो आप नॉन टीचिंग पे जाना, अगर टीचिंग की करनी है तो टीचिंग पे जाना। फिर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्री प्राइमरी के लिए या PRT के लिए, TGT, PGT, जो भी आप, या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे क्लिक करना। सारी की सारी यहाँ पे पोस्टें इन्होंने दी हुई हैं, उसके लिए आप क्लिक करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक किया और प्रिंसिपल ओपन हो गया, या मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए क्लिक करना है, मैं फ्रेशर हूँ तो मैं ट्रेनिंग पे करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पहला सेक्शन जो, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फोटो, लेटेस्ट फोटो जरूर लगाना है। फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है हम फोटोग्राफ मिस कर जाते हैं, तो ये जरूरी होता है, थोड़ा पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है अपना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में है, टीचर प्राइमरी टीचर है। फिर है आपकी जो पर्सनल डिटेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर कोई आपका अगर कोई है तो। उसके बाद आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप मेल हो या फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, आप कहीं के भी रहने वाले हों, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, कहीं
कहीं किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जरूर लिखना है विद पिन कोड। जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश है या कोई भी स्टेट है आपकी, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपने पूरी की पूरी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आपने फिल कर देनी है। अगर आप कहीं पे काम कर चुके हैं या कर रहे हो तो वो डिटेल यहाँ पे लिखनी है, और अपनी पूरी सैलरी के बारे में बता देना है, कितनी सैलरी आप ले रहे हो। अदर डिटेल में क्या आपने कभी यूनिसन में पहले कभी इंटरव्यू दिया है, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज फाइल आएगा तो क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने रिज्यूम आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया वो सही है, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये फ्रेंड्स तरीका है अप्लाई करने का, प्रॉपर तरीका है अप्लाई करने का। और जब किसी ब्रांडेड स्कूल ने अपनी वेबसाइट बनाई होती है और इस तरह का फॉर्म बनाया होता है, तो वो पहले अपने फॉर्म के थ्रू देखते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, और उनको ही एक्सेप्ट करते हैं पहले। उसके बाद अगर उनको लगता है कि ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हैं और वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो फिर वो ईमेल चेक करते हैं, और ईमेल में फिर उनके पास जो लोगों के रिज्यूमे होते हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिसन स्कूल में अब जो करंट वैकेंसीज हैं वो मैं आपको क्या क्या कौन कौन सी करंट वैकेंसीज हैं, काफ़ी हैवी काफ़ी वैकेंसीज हैं जो मैं आपको एक एक करके अब आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो उसके बारे में मैं जानकारी शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था अभी यूनिसन, तो ये यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल ने अभी रिसेंटली अपनी वैकेंसीज की जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो डाली हुई है, और ये इनकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। इनको चाहिए एक तो प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर्स, तो एक प्रिंसिपल भी चाहिए और कोऑर्डिनेटर्स भी चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। दूसरा इनको चाहिए टीजीटीज, टीजीटीज की भी यहाँ पे फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट है, और सारे सब्जेक्ट्स की। तो लगभग 5 से 10 टीचर्स के बीच में यहाँ पे टीजीटी चाहिए। इसके बाद प्री प्राइमरी फैसिलिटेटर्स भी चाहिए, मतलब प्री प्राइमरी फैसिलिटेटर का मतलब कम से कम 4 से 5 टीचर इनको चाहिए चाहिए, और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी या ग्रेजुएशन हो विद एंटिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि टीजीटीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विद बीएड होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आ जाते हैं आईटी फैसिलिटेटर भी चाहिए, जिसमें अगर आपने एमएससी या एमसीए की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनको चाहिए पीटीआई, बीपीएड एंड और एमपीएड कैंडिडेट्स, मतलब डीपी भी चाहिए इनको, और फिजिकल एजुकेशन टीचर जिन्हें हम कहते हैं। फिर उसके अलावा इनको रिसेप्शन पे फ्रंट डेस्क ऑफिसर चाहिए, और इसके अलावा अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स की भी ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो वहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में जॉब सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये नए सेशन के लिए ही ऑब्वियस ही बात है सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स अब इनकी आ रही हैं। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है, लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, और ये इनका ईमेल एड्रेस है यूनिसन unison@gmail.com। लेकिन आप वेबसाइट से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसी ईमेल एड्रेस के थ्रू भी भेज सकते हैं इनको अपना रिज्यूमे। यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल, विलेज धमाला, पिंजौर बद्दी रोड, पिंजौर। आप इनके पर्सनल नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर 9996409002 या फिर 7082427000। इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके पूरी की पूरी इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थी ये जानकारी आपके पास कम्प्लीटली मैंने शेयर की हुई है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे, और ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक मैं लास्ट आप लोगों के साथ वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में अब आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सेक्टर 68, मोहाली। मोहाली में ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वेरी वेरी वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे एक वैकेंसी है लेडी वार्डन की, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, और आप लोगों ने अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है www.ail.ac.in। यहाँ पे आप जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 19th December 2020। बाकी जितनी भी डिटेल आपको चाहिए तो आपके पास यहाँ फ़ोन नंबर मैंने शेयर किया हुआ है 0172509533633
3 3 8 इन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगी, www.ail.ac.in। इनका ईमेल एड्रेस है info@ail.ac.in। तो इन इस वेबसाइट पे जाकर के या इन नंबर्स पे जाकर के आप पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के अराउंड काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता था। जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग लाइन में जॉब सर्च कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगले वीडियोस में उन लोगों के लिए भी अब वैकेंसीज बनाने की लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने प्लस टू या ट्वेल्थ टेंथ या ग्रेजुएशन की है या फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी अब जानकारी मैं लेके आया हूँ, ठीक आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़, क्योंकि मैं हेल्प करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, तो चार से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, बल्कि मैं तो बोलता हूँ चार ही नहीं, मैं तो हर बार चार बोलता हूँ। और लोगों के साथ ये मेरे वीडियो शेयर भी कर सकते हो, मेरे लिंक शेयर भी कर सकते हो। तो आज का जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।